सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। इफ वी हैव टू फाइंड ड्रॉ द ग्राफ एंड क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल क्या है? अगर डेली इनकम लेस देन 120 है, लेस देन 140 है, लेस देन 160 है और लेस देन 180 और लेस देन 200 है, तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 12, 14, 12, 14, 8, 6 और 10 ये दिया हुआ है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएंगी? 12, 26, 34, 40 एंड 50। ये अपना फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे? ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ये अपना सिंपल ग्राफ है। यहां पे क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व है और यहां पे अपर क्लास का है, अपर क्लास लिमिट। ये कितना है? 120, 140, 160, 180 एंड लास्ट वन इज 200। यहां पे उसके करस्पॉन्डिंग 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो एक 120 और 120 के बीच में कितना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? वो है तुम्हारा 12। तो यहां पे कुछ आएगा उसके बाद उसे कितना है? 26 हो जाएगा 140 टू 160 के बीच में। तो ये कुछ यहां आएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? 160 टू 180 के बीच में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 है, तो ये कुछ यहां पे आएगा 30 से 40 के बीच में, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है? 40 टू 50 के बीच में कितना है? 40, एग्जैक्ट 40 पर आएगा। और 200 के बीच में कितना है? 50, तो एग्जैक्ट 50 पे आएगा 200 पर। इन सबको ऐड ज्वाइन कर देंगे तो क्या आएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस अपर क्लास लिमिट का कर्व हो जाएगा, ठीक है।